नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। कादर खान के देहांत की खबर सुनकर जहां फैंस को तगड़ा झटका लगा था, वहीं बॉलीवुड स्टार्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए शोक जताया था। साथ ही कादर खान के साथ काफी सारी फिल्मों में साथ काम करने वाले गोविंदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कादर खान के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया था और उनके निधन पर दुख जताया था। लेकिन ये क्या, कादर खान के बेटे सरफराज को गोविंदा का ये पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने जमकर उन पर भड़ास निकाली है। सरफराज ने गोविंदा को लेकर कहा कि गोविंदा से पूछेगा कि उन्होंने मेरे पिता की हालत के बारे में कितनी बार जांच पड़ताल की थी। मेरे पिता के निधन के बाद भी उन्होंने हमें फोन करने की जहमत भी नहीं उठाई। हमारी इंडस्ट्री इन दिनों ऐसी ही हो चुकी है। जहां एक तरफ सरफराज ने गोविंदा को लताड़ लगाई है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर भी एक बयान दिया है और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे पिता काफी क्लोज थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ऐसे थे जिन्हें मेरे पिता काफी पसंद करते थे और वो हैं बच्चन साहब। मैं अपने पिता से पूछा करता था कि वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं, तो वो सिर्फ अमिताभ साहब का ही नाम लिया करते थे और मैं जानता हूँ कि ये प्यार दोनों ओर से था। मैं चाहता हूँ कि अमिताभ को पता चले कि मेरे पिता ने आखिरी समय तक उनको याद किया था। बता दें कि गोविंदा ने कादर खान के साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि सरफराज के बयान पर गोविंदा कैसे रिएक्ट करते हैं।